निजीकरण के विरोध में दो दिवसीय बैंक कर्मियों की हड़ताल सोमवार से शुरू हो गई। बैंक हड़ताल के कारण सभी बैंकों पर ताले लटके रहे। इस बार हड़ताल को भारतीय स्टेट बैंक के अलावा ग्रामीण बैंकों के विभिन्न संगठनों का भी समर्थन हासिल है। हड़ताल के दौरान बैंकों के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निजीकरण के विरोध में बैंक रोड स्थित SBI की मुख्य शाखा से जुलूस निकालने के अलावा धरना प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सोमवार को बैंक कर्मियों ने शहर के बैंक रोड से जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर्मियों का कहना था कि निजीकरण में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, मनमर्जी से भर्ती होगी और बैंक पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के UPN सिंह ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद आंदोलन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीतेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। मेरा नाम UPN सिंह। आज किस संदर्भ में आप प्रदर्शन कर, आज का मुख्य मुद्दा सिर्फ है बैंकों में निजीकरण। सरकार सभी सरकारी बैंकों को अभी मर्जर किए हैं, मर्जर के बाद निजीकरण के तरफ चल रहे हैं। बजट में दो बैंकों का इंडिकेशन दिया और उसके बाद चार बैंकों का पेपर के जरिए बताया। यह आज़ादी से लेकर 1969 जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, 736 प्राइवेट बैंक धराशायी हो गए थे और उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया 19 जुलाई 1969 को। और उसके बाद सतत रूप से जहां 8,000 शाखाएं थी तहां 1.5 लाख शाखाएं हुई, बिजनेस भी 100 गुना बढ़ा और इस हिसाब से शाखाओं का विस्तार गांव तक हुआ, लोग रोजगार पाए और गांव तक हर किसान हर जनता को लाभ मिला। प्राइवेट बैंक बड़े बड़े स्थानों पर हैं, गाँव तक फैले नहीं हुए हैं और सरकार प्राइवेट के जरिए अपनी पूंजी कम करके डाइल्यूट करके जो प्राइवेट के तरफ ले जा रही है, इसके तरफ बहुत ही खतरनाक स्टेज है। और कभी भी पब्लिक का, अभी पिछले साल देखिए आपका यस बैंक पर RBI ने प्रतिबंध लगाया, अभी लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाया, तो इस हिसाब से जो प्राइवेट बैंक की जितना भी प्रदर्शन पिछले समय में रहा है वह निश्चित तौर पर जनता के हितों के प्रतिकूल रहा है। और हमारी यही डिमांड है कि बैंकों का निजीकरण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर बैंक हर हाल में मजबूत होना चाहिए ताकि आम जनता का लाभ हो सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक जहां 2008 में अमेरिका के मंदी में, आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका में 527 बैंक धराशायी हुए थे, वहां पब्लिक सेक्टर बैंक भारत के अच्छा प्रदर्शन करके एक प्रॉफिट मेकिंग अपना प्रदर्शन किए और लगातार 10 साल का आंकड़ा दिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ हर साल प्रॉफिट है। परंतु उसके अगेंस्ट में जो NPA का मोजर है, जो कारपोरेट घरानों का मोजर है, कम से कम 2 लाख रुपया हर साल उसमें प्रोविजन करके माइनस दिखला रहे हैं कि बैंक घाटे में डाल रहे हैं। यह काम ठीक नहीं है। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रहे हैं और 80% जनता पब्लिक सेक्टर में जानती है और 20% गिने चुने लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, उस गिने चुने लोगों में 10% लोग आधा जो होते हैं स्मार्टफोन वाले होते हैं, घर पर ही पूरी सुविधा ले लेते हैं, आधा बैंक जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में एक स्टाफ पर 2000 अकाउंट काम रिलेट किया गया है जबकि प्राइवेट में 350 अकाउंट है और उनकी पोजीशन आम आदमी प्राइवेट बैंक में जाने से कतराता है। तो मांग यही है कि निजीकरण किसी भी हालत पर नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो प्रतिगामी सुधार हैं उसको रोका जाए और पब्लिक सेक्टर बैंक को मजबूत किया जाए।